And as the world watches Pakistan's truce with the Taliban in the Swat Valley, former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif has hit out at the Pakistan government, saying that things are out of control in the Swat. Replying to a question on the Pakistan-Taliban peace deal, Nawaz Sharif said that the Swat deal was done with consensus, but it has not actually been implemented. Speaking to a private channel in Pakistan, the former Prime Minister said that the situation in the Swat is deteriorating. पाकिस्तान को इन बुरानों से, एक बुरानी कैफियत से, मुश्किलात से अगर निकालना है तो हम दोनों ने मिलकर बैठ के निकालना है। बाकी पार्टीज का भी तआवुन हासिल करना चाहिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ये कोई बुरानी कैफियत पाकिस्तान में ना हो। हम तो शुरू दिन से ये कहते रहे हैं कि मामलात को सिर्फ और सिर्फ ताकत के ज़रिए से नहीं, बुलेट के ज़रिए से नहीं, आर्म्स एम्यूनिशन के ज़रिए से नहीं, बल्कि अफहाम व तफहीम के साथ हल होना चाहिए। जो रेजोल्यूशन पास किया है हमने कौमी असम्बली में, उस रेजोल्यूशन को आप पढ़ें, उसमें कंसेंसस पैदा किया हुआ है। सब हकूमती पार्टी भी और दीगर सारी पार्टी ने मिलकर उस पर उसको बनाया, उस पर दस्तखत किए। ये उस कंसेंसस के मुताबिक है, उसके यानी उसी स्पिरिट को उसी के मुताबिक है, उस स्पिरिट के मुताबिक है। और मेरे ख्याल है कि उसको असल में लागू नहीं किया गया। जब मामलात को देखा अब हाथ से निकल रहे हैं तो फिर किया तो क्या किया।